कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का, कांग्रेस का और असंवेदनशीलता का, कांग्रेस का और माफियाओं का रिश्ता बहुत गहरा है। ये रिवाज तो नहीं बदलेगा, कांग्रेस नहीं आएगी किसी सूरत में, क्योंकि लोग बहुत समझते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। राजस्थान की जनता अब कांग्रेस को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, वो परिवर्तन करना चाहती है, वो कमल खिलाना चाहती है, वो भाजपा को पुनः वापस लाना चाहती है। क्योंकि हमने यहाँ 5 बार जीते हुए, लगातार जीते हुए विधायक को 53,000 से हराया था, इस बार 60,000 से हराया। राज्य सरकार से एक भी एक्स्ट्रा पैसा अगर इस विधानसभा में आया हो तो मुझे गिनाए, मेरे सामने बैठकर डिबेट करें। उन्होंने 4.5 साल में किया क्या जी? उन्होंने लोगों को आपस में लड़ाया, मुकदमेबाजी कराई, लोगों के घरों पर, लोगों की जमीनों पर उनके लोगों ने कब्जे किए, सिवाय इसके और कुछ नहीं किया। भूखे नंगों का देश, भिकमंगों का देश, भारत में कुछ नहीं। आज लोग आने को लालायित हैं, आज मित्रता करने को लालायित हैं, हमसे व्यापार करने को लालायित हैं। क्यों? क्योंकि 9 साल में जो हुआ वो पहले 75 साल में नहीं हुआ। यहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे और 1, 2, 3 उंगलियों पर 10 दिन गिने थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, एक किसान का कर्जा भी माफ नहीं हुआ। ये बात पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से और गहलोत साहब से स्पेशली, कि हर दिन बलात्कार की घटनाएं, हर दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, हर दिन अपमानजनक महिलाओं पर टिप्पणियां, ये कब रुकेंगी? महिला आज फोन की भूखी नहीं है जी, वो चाहती है कि उसका सम्मान हो, वो चाहती है कि उसकी सुरक्षा हो, वो चाहती है कि नन्ही नन्ही मासूम बच्चों की हिफाजत हो जी। वो कौन करेगा? जब जब कांग्रेस आई है तब तब माफियाओं का और बदमाशों का बोलबाला बढ़ा है, गैंगवार का बोलबाला बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम हर जनप्रतिनिधि से सवाल करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं उनसे ये पूछते हैं कि आपने इन 4.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करवाए। इसी के चलते हम पहुँचे हैं झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं झुंझुनू जिले से पूर्व सांसद महोदया संतोष जी अहलावत मैम, और इनसे जानते हैं कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इनको क्या क्या समस्याएं नज़र आ रही है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई समस्या देखने को मिलती है क्षेत्र में, चाहे विधायक का कार्यकाल पूरा हो जाए लेकिन जनता की उम्मीदें हैं वो कभी पूरी नहीं होती है। आइए जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका RJTV24 पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा। आप सांसद रहे हैं, आप शिक्षा के मामले में भी काफ़ी आगे हैं, तो ये जो सफ़र है ये कैसा रहा आपका? देखिए, मैंने 1996 में राजनीति शुरू की, सबसे पहले जिला परिषद सदस्य बनी जी, फिर मैं बुहाना पंचायत समिति की प्रधान बनी जी, इसके बाद मैं फिर पुनः जिला परिषद सदस्य बनी, यहाँ से विधायक चुनी गई। मैं उस समय लगातार 5 बार जीते हुए विधायक को 53,000 से मैंने हराया था, और उसके बाद मैं सांसद बनी जी। तो निश्चित तौर पे ये जो सफ़र है बहुत मुश्किलों भरा, कांटों भरा, दिक्कतों भरा है, लेकिन जब आपने अगर ठान लिया है जी कि कुछ करना है तो बाधाओं को तो सहन करना पड़ता है, उनके सॉल्यूशंस भी देखने पड़ते हैं जी, और कई कई बार परेशानियां भी झेलनी पड़ती जी। आपने विधायक बने, आप सांसद भी बने, तो इन जो आपका पीरियड था, मतलब कार्यकाल था, इस कार्यकाल में आपने यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या काम करवाए? देखिए, पहली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला लोकसभा क्षेत्र के लिए। इससे पहले तो कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटी रेल चलती है, वो भी 7-8 साल से बंद थी, उसमें कोई काम हुआ नहीं था, रेल का वापस चलना, 6 नेशनल हाईवे मेरे ज़िले में, एक भी नेशनल हाईवे इससे पूर्व में नहीं था जी, आज़ादी से लेकर 2014 तक 6 नेशनल हाईवे एग्जीक्यूट हुए, बने, 4 लेन बनी हमारे यहाँ जी। सैनिक स्कूल बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि ये जिला सैनिकों का जिला है, शहीदों का जिला है, यहाँ सैनिक स्कूल का तोहफा मिलना, मैं पूरे ज़िले की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे ज़िले को सैनिक स्कूल मिला, पासपोर्ट कार्यालय खुला, जिला रूडीप से जुड़ा,
और बहुत सारी महत्वाकांक्षी हो जाएं, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत फेमस झुंझुनू में बीहड़ है, उसको हमने रिजर्व घोषित कराया और इसी तरह से हमने खेतरी में एक रिजर्व घोषित कराया। काफ़ी काम हमने किए सिलसिलेवार तरीके से। अगर मैं बात करूँ तो जिले में पूर्व में कभी भी उतने काम नहीं हुए थे जितने हमने काम किए। आप खेतड़ी की बात कर रहे हैं, आपका लोकसभा क्षेत्र में आता है खेतड़ी, अभी वैसे नीमका थाना जिले में चला गया है खेतड़ी, जो कि तांबर का एक बड़ा मतलब क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें अगर सरकार चाहे तो काफ़ी लोगों के यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दे सकती हैं। उसको रोजगार के लिए कोई ऐसा मतलब काम जो आप कहना चाहेंगे इससे बढ़ावा मिल सकता है, सरकार ये क्यों नहीं कर रही है? कॉपर प्रोजेक्ट को निजी हाथों में कांग्रेस की जब मौजूदा उस समय सरकार थी 13 में, तब निजी हाथों में सौंप दिया था और वहाँ इतनी चोरियाँ होना, पानी की कमी के कारण प्लांट बंद होना, लगभग उजड़ने की स्थिति में आ गया था और ताले लगने की पोजीशन हो गई थी। लेकिन उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी से और खनन मंत्री जी से बातचीत करके पुनः इस प्लांट को वापस चालू कराया, वहाँ पानी की व्यवस्था हमने की और बहुत लंबे समय से कारीगरों की तनख्वाह वेतन भत्तों की पेंडेंसी हमने करवाई सही तरीके से। तो निश्चित तौर पे पॉलिसीज बहुत गलत है जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों को रोजगार कॉपर में नहीं मिला हुआ है जी। वरना हमारे पास जो कॉपर निकलता है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और उम्दा कॉपर है और मेरे यहाँ कोई ऐसा उद्योग धंधा अन्य नहीं है एक कॉपर के अलावा। तो क्षेत्रीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देनी चाहिए और मैं कभी मुझे इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिला तो पहले भी मैंने ये मांग उठाई है कि कॉपर का हेड ऑफिस कोलकाता है वो यहाँ होना चाहिए, जयपुर होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए, बहुत दूर इसका मुख्यालय है और भर्तियाँ जो होती हैं वो भी वो उधर की साइड के लोगों की करते हैं, तो धरती हमारी, समार हमारा और मतलब हमारे लोगों को रोजगार नहीं, कितनी बड़ी विडंबना है। तो मैंने ये मुद्दा उठाया भी था और ये लड़ाई मैं पुनः लड़ूंगी जी। आप सरकार की बात कर रही हैं, आप सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रही हैं, सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक भाजपा के हैं, सरकार कांग्रेस की है, तो क्या इस जनता को इसकी वजह से भी विकास कार्य में कुछ बाधा देखने को मिली? बहुत सफ़र किया है हमने। 2017 में कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना, पीने के पानी की योजना, उस समय मैंने मंजूर करा दी थी विधानसभा सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी के लिए जी। DPR बन गया था, उस हेड में तमाम पैसा था, बावजूद इसके सरकार हमारी नहीं होने का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि तमाम काम होने के बाद टेंडर नहीं लग पाए और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई और खेतरी में आके पानी रह गया, जबकि सूरजगढ़ विधानसभा घोर पानी के संकट को झेल रही है जी। लोगों ने पशु बेच दिए हैं, हरियाणा से टैंकर के जरिए प्रत्येक हाउस होल्ड को 500 रुपया डेली पीने के पानी का खर्च करना पड़ रहा है, इतनी गंभीर समस्या का निदान भी नहीं हो पाया जी। आप समस्या की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ समस्या आपके साथ और साझा करना चाहूँगा। यहाँ पर नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको निजात दिलाने के लिए यहाँ पर कोई मतलब पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया, क्या कारण मानते हैं? देखिए जब जब कांग्रेस आई है तब तब माफियाओं का और बदमाशों का बोलबाला बढ़ा है, गैंगवार का बोलबाला बढ़ा है जी। सूरजगढ़ विधानसभा की मैं अगर बात करूँ तो 3 बार फिरौती के लिए गोलियाँ चल चुकी हैं, सरेआम दिन दहाड़े सिंघाना में 2 बार फिरौती के मामलों को लेकर गोली चल गई जी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, महिलाएं असुरक्षित हैं, आए दिन कोई न कोई आपराधिक घटना यहाँ हो रही है। तो कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का, कांग्रेस का और असंवेदनशीलता का, कांग्रेस का और माफियाओं का रिश्ता बहुत गहरा है जी। तो अब कांग्रेस इसीलिए लोगों की आंख की किरकिरी बनी हुई है, कौन सा तबका ऐसा है जो परेशान नहीं है इस समय जी। अब महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप खुद एक महिला हैं, महिला होने के नाते आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, महिला होने के साथ साथ आप क्षेत्र में जाते हैं, आप अपने आप को कहाँ सुरक्षित देखते हैं? देखिए प्रत्येक महिला असुरक्षित है एटलीस्ट कांग्रेस के राज में जी, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद कमजोर है जी। और यहाँ के मंत्रियों के स्टेटमेंट देख के मुझे इतनी तकलीफ हुई कि अगर रेप
का मुकदमा हुआ और मंत्री का स्टेटमेंट है कि मर्दों का प्रदेश है, वारे मर्दानगी, महिलाओं की हिफाजत आप कर नहीं पा रहे, महिलाओं को आप फोन दे रहे हैं। ये राजस्थान की महिला गहलोत जिसे कह रही है कि फोन नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जो ये दे नहीं पा रहे हैं। जी, फोन की बात कर रही हैं तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आजकल जो ये स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, इसके गांव में दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, मैं जहां भी गांव में जाता हूं, कहते हैं इससे ये फ़ोन नहीं दे रहे हैं, ये हमारे लिए, एक कहने का मतलब था उनका कि हमारे लिए एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, इससे बच्चियां बिगड़ेगी। इसको आप कितना देखते हैं? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट क्यों दे रहा है, कोई फ़ोन क्यों दे रहा है? गहलोत साहब 4.5 साल कहाँ थे जी? बात ये नहीं बिगड़ने की, सुधरने की नहीं है। गहलोत साहब वही कहते हैं, 4.5 साल कहाँ थे, तब फोन क्यों नहीं दिए, तब आपने खाद्य सामग्री के किट क्यों नहीं बांटे, तब आपने टी शर्ट्स क्यों नहीं दी, तब आपने महंगाई की चिंता क्यों नहीं की, तब आपने महंगाई राहत की बात क्यों नहीं की? तब तो आप अपनी सरकार बचाने के लिए 7-स्टार होटल्स में जनता के पैसों से ऐश कर रहे थे, तब तो नूरा कुश्ती लड़ी जा रही थी, कौन मैं सीएम। इस बात का मुद्दा नहीं है कि कौन बिगड़ जाएगा कौन सुधर जाएगा। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से और गहलोत साहब से स्पेशली, कि हर दिन बलात्कार की घटनाएं, हर दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, हर दिन अपमानजनक महिलाओं पर टिप्पणियाँ, ये कब रुकेंगी? महिला आज फोन की भूखी नहीं है जी, वो चाहती है कि उसका सम्मान हो, वो चाहती है कि उसकी सुरक्षा हो, वो चाहती है कि नन्नी नन्नी मासूम बच्चों की हिफाजत हो जी। वो कौन करेगा? बात फोन की नहीं है, बात यह है कि हर महिला आज इस बात से आक्रोशित है, नाराज है कि ये सरकार ने महिलाओं की कदर नहीं की, परवाह नहीं की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं की, उनकी हिफाजत नहीं की, इस बात से महिला नाराज है। गहलोत साहब, आप मुख्यमंत्री की बात करें, गहलोत साहब तो भरमार योजनाएं ला रहे हैं, उन योजनाओं के बलबूते पर राजस्थान में सरकार रिपीट करना चाहते हैं, जो एक परंपरा चली आ रही है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उस रिवाज को बदलना चाहते हैं। देखिए, रिवाज तो नहीं बदलेगा, कांग्रेस नहीं आएगी किसी सूरत में, क्योंकि लोग बहुत समझते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल, आज चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाने से, चुनावी घोषणाएं करने से, और मैं आपको बताऊं कि आधी घोषणाएं एग्जीक्यूट नहीं होंगी, समय नहीं है इनके पास, आचार संहिता लगेगी और ये फुर हो जाएंगे, मैच कुछ दिन बचे हैं आचार, बस ये तो सब छलावा है। और ये सरकार झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई थी, यहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे और 1-2-3 उंगलियों पर 10 दिन गिने थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, एक किसान का कर्जा भी माफ नहीं हुआ जी। किसानों की जमीनें कुर्क हुई, किसानों ने आत्महत्या की जी। तो फिर ये सरकार ही झूठ बोल कर आई थी, और झूठी झूठों की सरकार है तो कौन विश्वास कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। आप सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों G20 समिट है, जो कि काफ़ी चर्चाओं में है, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इंडिया में पहली बार हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सारी दुनिया की 85% इकोनॉमी जो साझा कर रहे हैं, उन वो 20 देश जो हैं, आज के दिन आज भारत में है। G20 समिट आज भारत होस्ट कर रहा है, ये 18वीं समिट है और भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वो हथौड़ा दिया था जी, और तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना के कारण जो इकोनॉमी डगमगा गई है, उसको भारत किस तरह से लेगा और क्या भूमिका निभाएगा जी। आज आप देखेंगे तो सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं हुई है, यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम, ये लोगो हमारा है, ये नारा हमने दिया है, इसमें सिर्फ हमने आर्थिक बातें नहीं की, इसमें एक धरती एक परिवार एक विकास ये बात भी की है, हमने कृषि की चिंता की है, हमने पर्यावरण की चिंता की है, हमने समावेशी विकास की चिंता की है, तो बहुत सारे विषयों को छुआ है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अध्यक्षता की और साबित किया कि हम पूरी धरती को पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानते हैं, और ये साबित किया था जी। जिस समय कोरोना था और लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
वैक्सीन के जरिए, दवाइयों के जरिए सारे उन ज़रूरतमंद लोगों को, पूरे दुनिया को हमने मदद की थी। इसका मतलब हम में वो मुद्दा है। भारत आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, भारत एक स्टार बनकर उभरा है, और ये सब हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ है। तो आज प्रत्येक व्यक्ति गर्व से फूला नहीं समा रहा। हमने भी बहुत बड़ा एक समारोह आज किया है, जिसमें हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ हमने मंदिरों में दीप प्रज्वलन किए, और पूरा भारतवासी, पूरा भारत का हर कोई वर्ग इस बात से खुश है कि भारत लीड कर रहा है। जी, आप भारत लीड की बात कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी और जैसे आपने काफ़ी चीज़ों चर्चा की आपने, लेकिन मैं रुपए की बात करना चाहूँगा। रुपए जो कि 2014 से पहले अप्रोक्सीमेटली 58 या 59 के समथिंग था, आज वही रुपया 82-83 चला गया है। और डीजल पेट्रोल की बात करें तो वो भी 100 क्रॉस कर रहा है, तो वो कैसे? देखिए, वैश्विक मंदी का ये भयंकर दौर चल रहा है जी, और इसमें भी भारत स्टैंड कर रहा है, भारत सने सने आगे बढ़ रहा है, भारत ने अपने आप को साबित किया है, ये बड़ी चीज़ है जी। पूरी दुनिया आज आर्थिक मंदी से घिरी हुई है, फिर भी भारत चल रहा है, फिर भी भारत में निरंतर विकास की तरफ कदम बढ़ाए हैं भारत ने, और आज विकासशील भारत नहीं, आज विकसित भारत की श्रेणी में हम खड़े हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा था जीडीपी नीचे चली गई है, पेट्रोल डीजल के भाव चले गए, पूरे विश्व की हालत देखिए आप, फिर भी भारत सशक्त भारत के रूप में खड़ा है। आप सशक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए हैं, 9 साल बेमिसाल ऐसा एक अभियान चलाया था बीजेपी ने, जो हर जगह सभाएं चल रही है, तो इन 9 साल में 9 कोई कार्य ऐसे जो बताना चाहिए आप? देखिए, 9 नहीं, मैं अगर 9 साल के केंद्र सरकार के काम गिनाने लगूंगी तो भोर हो जाएगी, पर एक पहला प्रधानमंत्री जिसने महिलाओं की चिंता की और घर घर में शौचालय किसी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं बनाया, आपको छोटी बात लग रही होगी, पर मुझे बहुत नहीं है, बहुत, मुझे बहुत बड़ी बात लग रही है। पूरे देश की बात करें तो कोई प्रधानमंत्री इस बात की चिंता क्यों करेगा कि महिलाओं को मुंह अंधेरे लोटा लेके बाहर जाके जाते वक्त शर्म का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, ये चिंता पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने की, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने की जी, ये मैं इसको बहुत बड़ी चीज मानती हूँ। बिल्कुल, महिलाएं ईंधन बीनती फिरती थी, उनके साथ आए दिन जंगलों में हादसे होते थे, धुआं के कारण उनकी आंखें खराब होती थी, और चूल्हे पर स्पेशली जब बारिश का समय होता था, गीली लकड़ियां जलने के कारण ना केवल महिला बल्कि पूरे घर के आंगन में खेल रहे बच्चे, बुजुर्ग सबको दमे की शिकायत होती थी धुआं के कारण। उज्ज्वला के तहत इतनी बहनों को गैस का कनेक्शन देना, ये मैं मानती हूँ देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जी। जो लोग कच्चे घरों में रहते थे, जिनका सपना था मेरी भी छत पक्की हो प्रधानमंत्री आवास योजना में, उनको पक्के मकान मिले जी। हर घर जल, पीने के पानी के लिए भटक रही पूरी जनता के को हर घर घर जो जो नल जो मिल रहा है, ये बहुत बड़ा, मैं इस बात को मानती हूँ। और बीमारियों के कारण, इलाज के अभाव के कारण गरीब लोग दम तोड़ देते थे, आयुष्मान योजना के तहत अब कोई दवा के अभाव में, डॉक्टर के देखने के अभाव में दम नहीं तोड़ रहा है, मैं बड़ी चीज़ मानती हूँ इसको। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के कार्य किए हैं, इससे पहले भूतों ने भविष्य थी जी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने किसान की आय दुगनी करने की मैं बात करूँ, किसान का अगर कार्ड बना है, सोयल हेल्थ कार्ड बना है, उसकी मैं अगर बात करूं तो मिट्टी की जांच कराने की किसी ने सोची नहीं थी कि अन्न देश में उपज क्यों कम हो रही है, मिट्टी में क्या कमी है, कौन से पोषक तत्व मिलने चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने ये बात की। मैं बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहती हूँ, इंद्रधनुष योजना में रुबेला नाम का एक टीका पहले सम्मिलित नहीं था, जो अगर 11 साल की बालिका को लगे तो बांझपन रोका जा सकता बहुत बड़ी संख्या में, उसको रुबेला को टीके को इंद्रधनुष योजना में सम्मिलित किया। मैं अनेक योजनाएं आपको ऐसी बता सकती हूँ, महिलाओं के खाते में, किसानों की चिंता की, किसानों की आय दुगनी कैसे हो इसकी चिंता की। तो और मैं कह रही हूँ कि भारत एक ऐसी जगह से निकलकर जहाँ लोग ये चर्चा करते थे भूखे नंगों का देश, भिकमंगों का देश, भारत में कुछ नहीं, आज लोग आने को लालायित हैं, आज मित्रता करने को लालायित हैं, हमसे व्यापार करने को लालायित हैं। क्यों? क्योंकि 9 साल में जो हुआ
वो पहले 75 साल में नहीं हुआ था जी। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वही स्मृति रानी जी जो जब 400 रुपये सिलेंडर था तब वो सड़कों पे सिलेंडर लेके घुमा करते थे थी, और आज सिलेंडर 1000 रुपये चला गया है, वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आप भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। नहीं, उस वक्त को याद कीजिए आप जी। आज ज़मीनों के भाव की तुलना कीजिए आप, आपने जो ज़मीन उस समय 5000 की खरीदी थी वो आज डबल हो गई है। डबल नहीं हो गई है, बहुत उसकी तो आपकी सब चीज़ें आपकी भी तो वैल्यू बढ़ी है ना। तो देखिए, भाव बढ़ना, मूल्य बढ़ना, किस समय बाजरा किस उस पे बेचा जाता था, जींस किस रेट पे बेची जाती थी, उनके भी भाव बढ़े हैं जी। तो ये कहने की बातें हैं कि उस समय हम क्या करते थे, हमने प्रदर्शन किन बातों को लेके किए। मैं राष्ट्र के विकास की अगर बात करूँ और आपको पीछे ले जाऊँ आज से 9 साल पहले, तब देश की स्थिति क्या थी, आप स्वयं जर्नलिस्ट हैं, आप सब लोगों के साथ घूमते हैं, आप हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, इन 9 साल में मैं एक सवाल आपसे कर रही हूँ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जी? तो आप ऑब्वियसली ये कहेंगे कि ये समय का बदलाव है। यस यस यस। मैम एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अपन देश से अब राजस्थान की ओर लौट चलते हैं, राजस्थान में भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है चारों दिशाओं से, जो कि आपके क्षेत्र में गोगामेड़ से शुरुआत होकर लगभग 15 या 16 तारीख या 18 के आसपास पहुंचेगी, तो इस यात्रा के क्या मायने हैं प्रदेश में? राजस्थान की जनता अब कांग्रेस को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, वो परिवर्तन करना चाहती है, वो कमल खिलाना चाहती है, वो भाजपा को पुनः वापस लाना चाहती है, और हम लोगों से संपर्क कर समर्थन प्राप्त करने की बात कर रहे हैं जी। तो जो ये यात्राएं निकल रही हैं, इनके रास्ते में जगह जगह जिस तरह से स्वागत हो रहा है, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से काफिले के काफिले चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ लोग रास्तों में मिल रहे हैं। अब तो आपको परिवर्तन तेज हो गई है, तो आपको ये परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा, ये तो मैम वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज और जानना चाहता हूँ, इस परिवर्तन यात्रा से पहले आपने भी एक यात्रा निकाली है, देव दर्शन यात्रा, इस यात्रा के सूरजगढ़ की जनता के अंदर क्या मायने हैं? देखिए, मेरी मैं पहले आपको जिक्र कर चुकी हूँ कि ये विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है जी। यहाँ हर घर में फौजी है, पिता फौजी, दादा फौजी और बेटा फौजी, फिर पोता फौजी, चार चार पीढ़ियाँ, और वीरों की भूमि कही जाती है, वीरों की भूमि। सबसे ज़्यादा शहीद इस विधानसभा में, हर गांव में, हर छोटी ढाणी में आपको शहीदों की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। ये विधानसभा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे, बिल्कुल, ये विधानसभा नौकरी करने वाले लोगों में बहुसंख्या रखती है, ये महत्वपूर्ण विधानसभा, और हरियाणा के बॉर्डर से हम टच हैं, बिल्कुल, यानी कोई क्राइम होता है यहाँ और हरियाणा में अपराधी भाग जाते हैं, कोई क्राइम करने के लिए स्पेशली हरियाणा से आ जाता है, तो ये बहुत मीनिंग रखती है विधानसभा। लेकिन इस विधानसभा में अभाव बहुत है, कमियाँ बहुत हैं, लोग परेशान बहुत हैं, तो हम प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मठ में, प्रत्येक आश्रम में इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे इस विधानसभा के लोग किस प्रकार से उलझनों से बाहर निकल जाएं, हर घर को सुरक्षित हम कैसे कर सकें, हर ज़रूरतमंद लोगों के पास कैसे हम पहुंच सकें, और क्या क्या गंभीर समस्याएं उनका निदान हम कर सकें। इसलिए हम देवों के साथ के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, और जो हमने देवदर्शन यहाँ से लेकर और छुड़ीना तक की, आप उस दिन आ नहीं पाए थे, भारी संख्या थी जी, बड़ी भीड़ थी, गाड़ियों के काफिले के काफिले, और कई हजार लोग हम वहाँ पहुँचे, और बहुत प्रसिद्ध माता का मंदिर है, हमने वहाँ धूप लगाकर हर घर की खुशहाली की कामना की जी। आपने अभाव की बात की, मैं अभाव से ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री गहलोत के ऊपर आपने एक आरोप लगाया था कि सूरजगढ़ की जनता के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, वो क्या अभाव था? निश्चित तौर पे किया, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज खुली थी, उसका बिल्डिंग नहीं बनी, बच्चे परेशान होते फिर रहे हैं, कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना स्वीकृत हो चुकी थी, DPR बन चुकी थी, TS जारी हो चुकी थी, उस हेड में पैसा था, बावजूद इसके यहाँ पे उनका विधायक नहीं था, इसलिए सौतेला व्यवहार उन्होंने किया जी। हमारे कार्यकर्ताओं की, यहाँ के क्षेत्रीय पूर्व विधायक
जान पूछ के VCR बनाने का काम, उन पे मुकदमे दर्ज कराने का काम, उनकी ज़मीनों पे लोगों से कब्जे कराने का काम, उनके हवेलियों पे कब्जे कराने का काम, ये लगातार 4.5 साल से इस विधानसभा की जनता झेल रही है जी। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं कि गहलोत सरकार की कुछ भी योजनाएं आती है उसमें विधायक BJP के होने के बावजूद यहाँ पे जो पूर्व विधायक हैं उनके होल्डिंग लग जाते हैं योजनाओं के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। विधायक कोष तो सबको मिलता है, जो भी विधायक बनेगा उसको कोष खर्च भी करना पड़ता है। रही योजनाओं की बात, तो राज्य सरकार से एक भी एक्स्ट्रा पैसा अगर इस विधानसभा में आया हो तो मुझे गिनाएं, मेरे सामने बैठकर डिबेट करें। उन्होंने 4.5 साल में किया क्या जी? उन्होंने लोगों को आपस में लड़ाया, मुकदमेबाजी कराई, लोगों के घरों पर, लोगों की ज़मीनों पर उनके लोगों ने कब्जे किए, सिवाय इसके और कुछ नहीं किया। VCR भराई, ये कितनी ख़राब बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को VCR भराई जा रही है, उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, उनके उनका पीछा किया जा रहा है, ये कहाँ की बात है? वोट देना नहीं देना आप अपनी मनसा की इच्छा है, बिल्कुल, तो वो क्या डरा कर वोट लेना चाहते हैं जी? ऐसा कमजोर सूरजगढ़ विधानसभा का व्यक्ति नहीं है। अब सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मान लीजिए भाजपा इस बार आप पर विश्वास जताती है तो आप सूरजगढ़ की जनता के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं? देखिए, हमने यहाँ 5 बार जीते हुए, लगातार जीते हुए विधायक को 53,000 से हराया था, इस बार 60,000 से हराएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरी प्राथमिकता है कि पीने के पानी की जो योजना ये दबा कर बैठे थे, वो कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना के जरिए पीने का पानी यहाँ उपलब्ध हो। दूसरा, यहाँ रोड कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, गांव आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, सड़कें बहुत पुरानी और बेहद टूटी हुई हैं, यहाँ पे वो कनेक्टिविटी सुदृढ़ होनी चाहिए। हमारे एजुकेशन के सिस्टम में बहुत कसावट नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, पद खाली पड़े हैं, बिल्कुल, और व्यवस्थाएं नहीं हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, और यही हाल हमारी कॉलेज का भवन नहीं है, अब बच्चे पढ़ने के लिए आए तो बैठे कहाँ, पीने का पानी भी वहाँ नहीं है, बहुत स्कूल्स हैं जिनमें टॉयलेट्स नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है जी, और अस्पतालों की स्थिति तो बहुत ख़राब है। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से सूरजगढ़ की जनता को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें? सूरजगढ़ की जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ, मेरा ननिहाल यहाँ है, मेरी कर्म भूमि यहाँ है, मेरे हर घर से बच्चे स्कूल कॉलेज और BEd कॉलेज में आते हैं। मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ हर उस परिवार से जो सूरजगढ़ विधानसभा का रहने वाला है, उनकी ज़रूरत के समय मैं लौह स्तंभ बनकर उनके साथ खड़ी हूँ, किसी दिन भी उनके साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर जी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ संतोष जी मैम, जो कि सूरजगढ़ के विधानसभा क्षेत्र से पहले भी विधायक रहे हैं। अब देखना होगा 2023 के चुनाव में भाजपा इन पर विश्वास जताती क्या, और अगर टिकट मिल जाती है तो यहाँ की सूरजगढ़ की जनता को देखना होगा कि यहाँ पर विकास के कार्य कौन करवाता है, यह तो आपको तय करना है। लेकिन आप RJ TV 24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।